हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री। सो डिस्कस करांगे ये आप 2 or 3 मार्क्स के रिंग क्वेश्चन। सो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इस तरह डाइसैक्रेड है, इस तरह मोनोसैचुरेट है। मोनोसैक्रेड जो होंगे उन्होंने की है द सैक्रेड विच हैविंग द वन मोलीक्यूल लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज जो एक सिंगल मोलीक्यूल होएगा, सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट होएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोसैचुरेट। एंड डाइसैचुरेट होंगे कार्बोहाइड्रेट विच ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैचुरेट। एग्जाम्पल है सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये डाइसैक्रेट होंगे। पॉलीसैक्रेट के जेद की है दीज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैचुरेट यूनिट्स है आर कॉल्ड एज ए पॉलीसैचुरेट। एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दीज आर पॉलीसैचुरेट। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड की होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड है दीज द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड गेट कंडेंस्ड विद द रिमूवल ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग इन CONH बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड। एंड दिस इज पेप्टाइड लिंकेज ऑल्सो कॉल्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। एंड फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, सेकेंड एलेनाइन ग्लाइनो अमाइनो एसिड है, दोनों कंबाइन करेंगे COOH ते इतने नेड़े एच जो है दोनों रिमूवल हो गए, वाटर आउट हो जाएगा, जी बॉन्डिंग होएगी CONH के विचकार बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड कह देवे आप। सो दिस इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, वट इज़ अ डी नेचुरड प्रोटीन? द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए नेटिव स्टेट। स्टेबल स्टेट जी होंगी नेटिव स्टेट होंगी है। ये प्रोसैस विच चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज ए डीनेचुरेशन की है। प्रोसैस विच कैन चेंज द जो फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल केमिकल कंपोजिशन बिना अफेक्ट किए चेंज कर देंगे बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज ए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल अनइक्वल फ्रॉम एन ऑर्डर स्पेसिफिक कन्फर्मेशन इन टू ए मोर रेंडम कन्फर्मेशन, द प्रोटीन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एज ए डीनेचुरड प्रोटीन। एंड रेगुलेशन ऑफ एग वाइल ऑन द हीटेड एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरड प्रोटीन। ठीक है, कोई भी कॉयल स्ट्रक्चर है फर्दर की वो अनकॉयल हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज ए डीनेचुरेशन प्रोटीन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फिब्रस फिब्रस प्रोटीन। जरूर डिफरेंस की गल करते हैं। फर्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन दीज आर क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक अमाइनो एसिड। एंड फिब्रस दीज आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ग्लोबुलर प्रोटीन दीज आर सोलबल इन वाटर और सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट। एंड दीज आर इनसोल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट बट सोल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड। ग्लोबुलर प्रोटीन दीज आर स्टेबलाइज बाई इंटरनल हाइड्रन बॉन्ड इंट्रेक्शन। एंड फिब्रस प्रोटीन दीज आर फॉर्मेशन बाई एक्सटेंसिव हाइड्रन बॉन्डिंग बिटवीन द नेबरिंग चेंज। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन इज एग्जाम्पल एल्बुमिन इन एग एंड ऑल एंजाइम आर एंड हॉर्मोन्स। एंड इन फिब्रस दैट इज अ मायोसिन इन मसल एंड कैरेटिन इन हेयर एंड फिब्रोन इन सिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन। सो ये वाले है डिफरेंस सीगा प्रोटीन का। नेक्स्ट दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंजाइम एंड कैटलिस्ट है RNA DNA एंड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट गल करते हैं एंजाइम ते कैटलिस्ट की। द एंजाइम आर जनरली हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड ईच एंजाइम कैटलाइज कैटलिसिस ओनली वन रिएक्शन एंड कैटलिस्ट दिस इज नॉट सो स्पेसिफिक इन जो स्पेसिफिक नहीं होंगी। दीज आर हाईली एफिशियंट कैटलिस्ट एंड वेरीज फ्रॉम रेट फ्रैक्शन बाई 10^20 फैक्टर एंड नॉट सो एफिशियंट। एंजाइम द वर्क प्रेजेंट इन एक्व सोल्यूशन ऑफ pH 7 एट टेम्परेचर 37°C एंड प्रेशर 1 atmospheric। एंड कैटलिस्ट वर्क एट ऑर्डनरी कंडीशन। ऑर्डनरी कैटलिस्ट जनरली रिक्वायर्ड नॉट pH 7 एट ए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। DNA इज 2-deoxyribose न्यूक्लिक एसिड एंड शुगर मॉलिक्यूल इन RNA इज राइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड इट अकर मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल DNA एंड RNA इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। DNA इज अ डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स इन विच द 2 स्पायरल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड RNA इज अ सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एंड DNA इट कंटेन साइटोसाइन एंड थायमिन एज ए पिरिमिडिन बेसिस साइटोसाइन एंड थायमिन। एंड RNA इट कंटेन साइटोसाइन एंड यूरासिल एज ए पिरिमिडिन बेसिस। ठीक है, एंड नाइट्रोजन बेस यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की है DNA के यूरासिल प्रेजेंट नहीं होंगे, RNA के थायमिन प्रेजेंट नहीं होंगे। इट मीन यूरासिल RNA के थायमिन के DNA के प्रेजेंट होंगे।
इट हैज़ यूनीक प्रॉपर्टी फॉर एप्लीकेशन है एंड डी आर एन ए दे विच डज़ नॉट रेप्लीकेट है डी एन ए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज एंड आर एन ए इज़ वेरी मच स्मॉलर होंगे ठीक है. डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड तो याद रखना टी इट मीन टी दे विच थ्री कंपोनेंट है बेस शुगर एंड फॉसफेट इट कंसिस्ट थ्री कैमिकल कंपोजिशन बेस शुगर एंड फॉसफेट न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड दे विच साइड दे विच दो ही चीज़ा बेस ते शुगर एंड दैट इज़ ए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दैट इज इट इज एसिडिक इन नेचर न्यूक्लियोसाइड इट इज़ ए बेसिक इन नेचर स्ट्रक्चर दे विच देखते हैं बेस है शुगर है फॉसफेट ग्रुप है तीन चीज़ा ये बेस है तो शुगर है दो ही चीज़ा है ठीक है. यही डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर ठीक है. नेक्स्ट दैट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड है इन केस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज ए इट इज ऑल्सो पेप्टाइड लिंक इज ऑलरेडी अबाउट डिस्कस किया था. द टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन टू गिव ए डाई पेप्टाइड एज शोन एज इन केस ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड वन अमीनो एसिड सेकंड अमीनो एसिड जो कंबाइन करेंगे तो ओ एच ते एच की जो रिमूवल हो जाएगी वाटर के नाल ते फॉर्मेशन हो जाएगी सी यू एन एच बॉन्ड दिस इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड. द सी यू एन एच लिंक इज फॉर्मड बिटवीन द टू अमीनो एसिड यूनिट इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर द सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एन इकोमोलर मोनोमर ऑफ डी ग्लूकोज डी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव दैट इज फ्रक्टोज एंड सच सुक्रोज इज इन डेक्सट्रोरेटरी वाइल द मिक्सचर ऑफ टेन ऑन हाइड्रोलिसिस इज लिवर टेटरी दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. एक डेक्सट्रो ते लिवर टेटरी की है कि जो भी लाइट नू पास करवाने आपां तो लाइट की जी डायरेक्शन है प्लेन पोलराइज लाइट के वो अगर राइट साइड नू डायरेक्शन होंगी है दैट इज कॉल्ड एज ए डेक्सट्रोरेटरी अगर लैफ्ट साइड नू उहदी रोटेशन हो जाती है डायरेक्शन हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज ए लिवोरेटरी ठीक है. डेक्सट्रो वाले नू प्लस साइन नाल यूज़ करते हैं लैफ्ट वाले नू नैगेटिव साइन नाल यूज़ करते हैं ठीक है एंड पॉजिटिव तो नैगेटिव दिस इज ए डेक्सट्रो एंड लिवो एंड दिस इज ऑलसो कॉल्ड एज ए इनवर्जन ऑफ केन शुगर ठीक है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की प्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट है व्हाट टू सोर्सेज ऑफ विटामिन के एंड टू डिजीजेज कॉज वाई इट्स डेफिशिएंसी. फर्स्ट की है सोर्सेज की है विटामिन के दे ग्रीन लीफी वेजिटेबल सच एज केल स्पेनिश एंड टर्निप ग्रीनस फिश लीवर मीट एग एंड डिजीज है पोअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड जोड़ा है वो वाला हो जाता जल्दी ब्लड नहीं फ्रीजन कोगुलेशन नहीं जल्दी होंगी है ठीक है. जम चोट लग मान लो सट चोट लग जाती है तो उत्थे जो ब्लड है जल्दी हो जाएगा वो स्टॉप नहीं करता ब्लीडिंग तो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. नो व्हाट इज द एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक मीन्स द सबस्टांस हैविंग द बोथ टाइप ऑफ नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन केस ऑफ अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड शो द एम्फोटेरिक नेचर दैट विल बिहेव एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस एंड इट कैन बी एक्सप्लेन एज अमीनो एसिड कंटेन द एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इन द एक्वस सॉल्यूशन These neutralize each other. The carboxyl group loses a proton while the amino acid accept it and as a result a dipolar or vitrine formation jis tarah sade ko amino acid hai amino acid de vich carboxyl group bhi hai acidic bhi hai NH2 that is a basic group base bhi hai acid de base dono aa jande so it is known as amino acid. So e wala jada hai ga sade ko structure show karda pya ke agar carboxylate jada H positive agar de dewe NH2 nu it will NH3 positive ion and CO negative ion and both टाइप ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन वन मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड एज ए विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड ठीक है. इन विटर आयन फॉर्म द अल्फा अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर दोनों बिहेवियर शो हो रहे हैं एसिडिक भी एंड बेसिक भी. इन एसिडिक मीडियम सी ओ नेगेटिव ऑफ द विटर आयन एक्सेप्ट ए प्रोटोन टू फॉर्म ए कैटायन 1 वाइल द इन द बेसिक मीडियम NH3 आयन लूजेस ए प्रोटोन टू फॉर्म ए anion 2 ठीक है. इन द डाइपोलर फॉर्म NH3 पॉजिटिव ग्रुप एक्ट एज एसिडिक एंड वाइल CO नेगेटिव एक्ट एज बेसिस एक्ट करता है तो इन जो इंटर कन्वर्जन है इट इज शोन हेयर फर्स्ट स्ट्रक्चर विटराइन एंड सेकेंड ठीक है. फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो विटराइन के दोनों के उत्ते चार्जेस है NH3 पॉजिटिव है CO नेगेटिव है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के NH3 तो पॉजिटिव चार्ज है बाकी कितने नहीं है तो सैकेंड स्ट्रक्चर CO नेगेटिव चार्ज है उसके ठीक है. दोनों एसिड तो बेसिक दोनों बिहेवियर जो फॉलो करते पे है ठीक है. सो इसी साढ़े को इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट की है एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है द सीक्वेंस इन विच द वेरियस अमीनो एसिड आर अरेंज इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर स्ट्रक्चर होएगी द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ
प्रोटीन डिटर्मिन इट्स फंक्शन एंड क्रिटिकल ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन क्रिटिकल फंक्शन ते बायोलॉजिकल एक्टिविटी ओदी पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स द मैनर इन विच प्रोटीन चेन इज फोल्डेड। ठीक है, इट अराइज फ्रॉम ए प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइडन बॉन्ड बिटवीन द वन रीजन ऑफ द बैक बॉन ऑफ द अनदर। ठीक है, सैकेंड दे विच हैगा ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਗਿਵਸ ਦਾ ਮੈਨਰ ਇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੇਨ ਆਰ ਫੋਲਡਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਫੋਲਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੇਨਰ ਜਮੈਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਆਰ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਨ ਵਿੱਚ ਏ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਪਟਾਈਡ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਟਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਵਿਦ ਅ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 EMU ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਲ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਓਇਲ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕਰਡ ਐਗ ਪਲਸਿਸ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋਫਟ ਸੋਪ ਆਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਡ ਸੋਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਆ ਨਿਊਕਲੋਸਾਈਡਸ, ਨਿਊਕਲੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਸੈਚੂਰੇਟਸ ਆਫ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਟਾਰਚ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲੋਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੋਲੀਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਔਰ ਪੋਲੀਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕੀਟੋਨ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਲਡ ਦੀਜ਼ ਔਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਰਕਟੋ ਸੈਲੂਲੋਸ ਸਟਾਰਚ। ਰਾਈਟ, ਟੂ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਕ ਐਗ ਰੋਕ ਐਂਡ ਕੋਡ ਲੀਵਰ ਆਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਰ ਅਨਜ਼ਾਈਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਓਪਰੇਟ। ਅਨਜ਼ਾਈਮ ਆਰ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗਲੋਬੁਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਚ ਆਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, pH 7, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਅਨਜ਼ਾਈਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਫੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੂਲੋਜ਼। What type of bonding in stabilizing in the alpha helix structure of protein? Alpha helix structure of protein stabilized by intermolecular hydrogen bonding between the keto carbonyl group, carbonyl group of one amino acid and residue for NH group of the other or fourth amino acid residue. Why can't vitamin C is stored in body? Since it is water soluble and readily excreted in the urine. Vitamin ke bare puch lende vitamin ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈ ਡੀ ਈ ਕੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਰ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਰ ਦਾ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੁਲ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਫ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। And how many type of enzyme have been identified, more than 3000 enzyme? What is the mutant rotation? The change in specific rotation of an optical active compound in solution with time to an equilibrium value is called as a mutant rotation. So last which vitamin di gal karange apan, vitamin most important hai, chemical name of vitamin and sources and deficiency diseases. So vitamin A that is a retinol. ठीक है, B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B6 दैट इज पिरिडॉक्सिन है, B12 साइनोकोबालामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, D इरोकैल्सिफेरोल है, E दैट इज अ टोकोफेरोल है, एंड K इज फाइलोकिनोन है, एंड H दैट इज अ बायोटिन है। इन शॉर्ट फॉर्म से इस तरह लिख सकते हैं RTA ET BP एंड विटामिन B1 दी सीरीज है लिख सकते हैं BT RPC। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। डेफिशिएंसी डिजीज की गल करते हैं, द फर्स्ट दैट इज विटामिन ए रेटिनोल, जिदा की है दैट इज ए हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई एंड नाइट ब्लाइंडनेस मेन है डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसलिए सोर्सेज की है कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, कैरेट है, राइस है, पॉलिशिंग लिवर एंड किडनी। B1 दैट इज ए बेरी बेरी रोग है। ठीक है, एंड डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम है। एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन राइस है, मिल्क है, यीस्ट है, नट्स है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल है। नेक्स्ट दैट इज ए B2 दैट इज ए राइबोफ्लेविन है, दैट इज ए डर्मेटिस एनकोलिसिस एंड हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। फिशिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ और लिप्स, माउथ से लिप्स से जो है प्रॉब्लम आ जाती है। एंड टर्निप मिल्क है, एग है, जीस्ट है, एंड वेजिटेबल है, लिवर है, किडनी सोर्सेज है। नैक्सट विटामिन 6 है,
डरमेटिट्स एंड कॉन्वल्यूशन हो जाती है। एंड सोर्सेज की है मीट है, फिश है, एग है, जॉक है, होल कैरल्स एंड ग्राम्स। नेक्स्ट B12 साइनो कोबाला में पर्निशियस अनीमिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ टोंग एंड माउथ है। सोर्सेज है मीट, एग, लिवर ऑफ ऑक्स एंड शीप्स, पिग, फिश। ठीक है, विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी है, मेनली डेफिशिएंसी डिजीज। एंड सोर्सेज है सिट्रस है, फ्रूट्स है लाइक ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल है। नेक्स्ट डी तले रिकेटस प्रॉब्लम आ जाती है जो ऑस्टोमेलशिया। एंड मिल्क, एग, कॉड लिवर ऑयल है। ठीक है, ये सोर्सेज है। ई दले दैट इज स्टर्लिटी फॉर्मेशन हो जाती है ऑयल लाइक कॉटन सीड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल एंड वीट वीट ग्राम ऑयल यूज करते हैं। के फाइलोकिनोन है, हीमोफीलिया हो जाता है ना, ते ये सोर्सेज आ जाते हैं लीफी वेजिटेबल एंड कैरल्स। नेक्स्ट दैट इज एच बायोटिन है, डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस हो जाता है। ये जीस्ट है, लीवर है, किडनी है, मिल्क ये सोर्सेज है विटामिन डी। ठीक है, सो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। सो होपफुली कि सारे बच्चों को पसंद भी आए, उनके सारे लर्न करोगे तो सारे बच्चे वधिया मार्क्स लेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।